दारुल उलूम ने एक बार फिर नया फतवा जारी किया है और इस बार बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर सवाल खड़े किए हैं। दारुल इफ्ता के मुफ्तियों की ओर से जारी किए गए फतवे में गौमूत्र मिले पतंजलि के प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को इस्लाम में नाजायज बताया गया है। उलेमा और मुफ्तियों ने भी गौमूत्र मिले प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से मुस्लिम समाज को परहेज रखने को कहा है। फतवे में यह भी कहा गया है कि पतंजलि के जिन उत्पादों में गौमूत्र मिला न होने के पुख्ता प्रमाण हो तो ऐसे में उस उत्पाद का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर सही जानकारी नहीं है तो ऐसी किसी भी चीज का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना ज्यादा बेहतर होगा। दारुल उलूम के फतवे पर बाबा रामदेव की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रामदेव फतवे पर क्या कुछ कहते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। देखते रहिए टीवी लाइव।